ग्वालियर क्राइम ब्रांच और थाना यूनिवर्सिटी ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 2 सट्टेबाजों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20,000 रुपए, 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी से सचिन तेंदुलकर मार्ग पर कृष्णा अपार्टमेंट में क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और आरोपियों के पास से सट्टा खिलाने का हिसाब किताब भी मिला है, जिस पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस में पकड़े गए दोनों आरोपियों पर सटोरियो एक्ट और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माननीय न्यायालय में पेश करके इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी जिसमें कि एक कार्रवाई की गई है थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गोविंदपुरी में कृष्णा अपार्टमेंट में एक क्रिकेट के सट्टे की सूचना मिली थी कि आज जो महिला वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें फाइनल मैच था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, फाइनल मैच खेलने लगा सट्टा खिलाया जा रहा है, तो कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में क्राइम ब्रांच और थाना यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा दबिश दी गई और जिसमें दो लोग सट्टा खिलाते हुए मिले। दोनों लोग भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और लगभग 1 महीने पहले यहाँ आए हुए हैं। ये सट्टे खिलाने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे। इसमें 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप और 20,000 कैश मिले हैं। इसके अलावा लगभग 25 लाख का ट्रांजेक्शन का हिसाब मिला है। ID इनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन ID ली गई थी, तो ऑनलाइन ID किससे ली गई थी, किस साइट से ली गई थी, उसका क्या प्रोसीजर है, इस सब पर भी इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की जाएगी।